आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपना फोन उठाओ, क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि एक ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.5 गिवन है। उसमें एक बबल है जिसको एक साइड से देखने पे आपको 5 सेंटीमीटर पे नजर आता है और दूसरे साइड से देखने पे आपको वो 2 सेंटीमीटर पे नजर आता है। तो हमें थिकनेस ऑफ स्लैब बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। लेट से ये आपका स्लैब है और जो आपका बबल है वो यहाँ कहीं पे, राइट। इस तरफ से जो डिस्टेंस है वो एक्स वन है और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो लेट से एक्स टू है, राइट। एक्स वन और एक्स टू जो है वो आपके एक्चुअल डिस्टेंसेज हैं और जो आपको दिख रहे हैं 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर वो आपके अपेरेंट जो है अपेरेंट डिस्टेंसेज आपको दिख रहे हैं बबल के, राइट। तो जो हमारा अपेरेंट डिस्टेंस होता है डी अपेरेंट, वो होता है हमारा डी एक्चुअल अपॉन म्यू, राइट। तो इस केस में हमें डी अपेरेंट गिवन है 5 और 2 है, तो हम पुट कर देते हैं 5 इक्वल्स टू एक्चुअल यहाँ पे होगा एक्स वन डिवाइडेड बाई 1.5। तो आपके पास एक्स वन इक्वल्स टू आ जाएगा 5 इंटू 1.5 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर्स। सिमिलरली आप एक्स टू के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 2 इक्वल्स टू एक्स टू डिवाइडेड बाई 1.5। तो यहाँ से एक्स टू इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। अब आपका जो एक्चुअल लेंथ है वो है एक्स वन प्लस एक्स टू, तो आप एक्स वन प्लस एक्स टू कर दीजिए। एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल्स टू हो जाएगा 7.5 प्लस 3 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर्स। अब जब आप अपने ऑप्शंस देखेंगे तो आपका जो ऑप्शन 3 है यहाँ पे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर्स। थैंक यू एंड गुड लक। क्लास 11 12 से लेके नीट के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप।